कैसे हो आप लोग? आई होप सो आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और आज है खरना जी, आज खरना का ब्लॉग जाएगा। तो देख सकते हो पीछे जो मम्मी है वो रोटी बना रही हैं। और अब देखिए कि आगे क्या क्या होता है, दिन भर खरना में क्या क्या हुआ है खरना की तैयारी के लिए, और उसके बाद खरना पूजा कैसे होता है पूरा डिटेल मैं आप लोग के साथ शेयर करूंगी। तो बने रहिए हमारे ब्लॉग में। और आप लोग हमारे प्रीवियस ब्लॉग को ढेर सारा प्यार दिए हैं, इसके लिए दिल से थैंक्स। और ऐसे ही मुझे मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिए, ऐसे मुझे सपोर्ट कीजिए और ऐसे ही आगे बढ़ाइए। सबसे पहले आप लोग दिनकर दीनानाथ को प्रणाम कर लीजिए अपने ब्लॉग में, मैं इनको भी शामिल कर ली हूँ। और ये जो है अंगव बर्तन है, जी हाँ, पूजा प्रसाद के लिए बर्तन निकालेगा जो कि अभी साफ होगा। और फाइनली यहाँ पर जो बर्तन है वो साफ हो गया है, जी हाँ, वो प्रसाद के लिए। और उसके बाद यहाँ पे कुछ फल भी आया है, अभी पूरा फल नहीं आया है तो फल का मैं ले ली। और यहाँ पे ये जो देख सकते हो ये पूजा का साड़ी है जी, पालट बोलते हैं इसको। आप लोग सोच रहे होंगे कि चार पालट क्यों है, चार साड़ी क्यों है, तो मैं आप लोगों को बता दूं कि कहा जाता है जो भी साड़ी देता है लगाने के लिए वो सारा लगाया जाता है। तो मौसी जी के पास इस बार दो हो गए, एक बार ये एक यहाँ से और एक स्वीटी जी दे दी हैं। और दो मौसी जी का हो गया, एक मेरा और एक मम्मी का। तो चार साड़ी है जिसको मैं अभी धो के पसारूँगी। देखते हैं कि चार पालट है, जी हाँ, पालट ही बोला जाता है छठ पूजा में साड़ी को। और यहाँ देख सकते हो ये मैं अभी धो रही हूँ, तो ये साड़ी जो ये पालट जो है वो मैं पहनूँगी, येलो है। और उसके बाद वो येलो और एक कॉटन में वो मम्मी पहनेंगी। तो फिलहाल यहाँ पे देख सकते हो मैं अभी साड़ी को पालट को पसार रही हूँ, और ऐसे ही करके उसके बाद साड़ी को मैं पसार लूँगी। और ये मौसी जी का है, जी हाँ, ये दोनों मौसी जी पहनेंगी, एक शाम को पहनेंगी और एक सुबह में पहनेंगी। यहाँ पे देख रहे हो फाइनली मेरा पार्ट जो है वो पसरा चुका है, यहाँ पे मैं पसारती हूँ। और अब मैं आ रही हूँ नीचे, जी हाँ, नीचे जो मैं आई तो देखी मम्मी फल धो के रखी हुई थी, तो मैं आप लोगों के साथ तो कुछ फल अभी आया है कुछ नहीं आया है तो शेयर कर ली। और यहाँ पे देख सकते हो ये है शाम का, जी हाँ, सनसेट के टाइम का है। अभी मैं सूर्य को अर्घ देने के लिए गई हूँ क्योंकि पूरे दिन नहाया नहीं जाता, शाम को खरना से पहले नहा के अर्घ दिया जाता है। तो यहीं पर मैं सूर्य भगवान को जल दे रही हूँ, जी हाँ, देख सकते हो यहाँ मैं जल दे रही हूँ। और तीन बार परिक्रमा किया जाता है, कहते हैं ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों देव हैं उसके बाद ही सब हैं। तो तीन बार कोई भी काम बहुत अच्छा शुभ होता है। यहाँ पे मैं धूप दिखा रही हूँ और मौसी जी भी आ गई थी हमारे साथ पूजा करने के लिए, तो मौसी जी भी अर्घ दे रही है, सूर्य भगवान को जल दे रही हैं। तो मैं सोची क्यों ना मौसी जी को भी शामिल कर लूँ अपने ब्लॉग में। और उसके बाद यहाँ पर देख सकते हो मैं पैर रंग रही हूँ, जी हाँ, किसी भी ओकेजन में किसी भी पर्व में पैर रंगना बहुत ही शुभ माना जाता है। तो यहाँ पर मैं पैर रंग रही हूँ, मेरी ननद जो है वो रिकॉर्डिंग कर रही हैं, देख सकते हो आप लोग। और उसके बाद अब भाई ये मम्मी प्रसाद बना रही है, जी हाँ, यहाँ पे मम्मी गुड़ का खीर बनता है हम लोग के यहाँ, और बहुत जगह रसिया रोटी भी बोला जाता है, खरना बोला जाता है, लोहंडा बोला जाता है। तो वही लोहंडा की तैयारी, खरना की तैयारी हो रही है। तो फाइनली खीर बन चुका है और यहाँ पर मम्मी रोटी बना रही है, रोटी बन भी चढ़ता है और लोग आते हैं प्रसाद खाने के लिए, तो प्रसाद में दिया जाता है। हमारे यहाँ बिहार में इसी तरह से छठ पूजा होता है, और बिहार का छठ होता है बहुत ही फेमस होता है, बहुत ही नामी होता है क्योंकि यहाँ हर घर में होता है और बहुत ही अच्छा लगता है। ये जो
चार दिन कैसे बीत जाता है पता ही नहीं चलता। और यहाँ पे मम्मी रोटी फाइनली बना ली हैं और अब हम लोग चलेंगे, तैयार हो जाएंगे। तो तैयार होने के बाद अब आप लोगों को डायरेक्ट मिलते हैं, जी हाँ, खरना पूजा पे। तो यहाँ पे हम लोग आ गए हैं पूजा करने के लिए। मैं येलो सारी येलो पालट वेयर की हूँ, मौसी जी ग्रीन पालट और मम्मी जो है वो भी येलो ग्रीन और रेड का कॉम्बिनेशन का पालट उनका भी है। बहुत ही खूबसूरत सब लग रहा है, सारे लोग लग रहे हैं और यहाँ पे सब पूजा कर रहे हैं। तो यहाँ सबसे पहले 5 बार सिंदूर टीका जाता है, फिर वो पे विधि विधान से पूजा किया जाता है। जो भी प्रसाद है सामने वो सारा चीज़ चढ़ा के, अच्छा चढ़ा के, दीप धूप दिया सब कुछ दिखाया जाता है। उसके बाद गाय के लिए गौ ग्रास निकाला जाता है। और यहाँ पे देख सकते हो मम्मी जो है वो अभी धूप जलाएंगी। जी हाँ, धूप जलाया जाता है, धूप जलाना बहुत ही शुभ अच्छा होता है, तो मम्मी वो कर रही हैं। और यहाँ पे मैं देख सकते हो दीप जला रही हूँ और अच्छा लगता है, सब लोग मिलके पूजा करते हैं। और ये मेरा दूसरा बार है, जी हाँ, पहली बार मैं पिछले साल की हूँ, जिसको आप लोग बहुत प्यार दिए हैं खन्ना ब्लॉग को, 11,000 मेरा उसका व्यू आया है। और यहाँ देख सकते हो अब गाय के लिए और प्रसाद भी चढ़ाने के लिए निकाल रही हूँ, सारे लोग निकालते हैं वैसे ही करके। यहाँ पे देख सकते हो मम्मी धूप जला ली हैं। आप लोग भी बताइएगा कि आप लोग के घर में कैसे छठ का खरना होता है। हमारे यहाँ तो इस तरह से होता है। यहाँ देख सकते हो सारे लोग एक एक करके सारे पांचों पे चढ़ाएंगे। और उसके बाद अब यहाँ पे देख सकते हो ये जो है वो गाय के लिए, सबसे पहले गाय के लिए। जी हाँ, सनातन धर्म में अगर आप हैं तो गाय की महत्व ज़्यादा होती है, तो गाय को सबसे पहले निकाला जाता है, गौ ग्रास बोलते हैं। उसके बाद यहाँ पे बोला जाता है मेरे ससुराल में अग्रासन, अग्रासन भी हम लोग निकालते हैं। और अग्रासन जो होता है, जैसे कि मैं निकालूँगी तो मेरा बेटा मेरे दो देवर खाएँगे और कोई नहीं खाएगा। और उसके बाद मेरी अगर मदर इन लॉ निकालेंगी तो सारे लोग खाएंगे, सिर्फ मेरे फादर इन लॉ नहीं खाएंगे, यहाँ का ये रिवाज है। तो यहाँ पे देख सकते हो अब सब लोग दूध चढ़ा रहे हैं। जी हाँ, दूध चढ़ाना रहता है। तो इस बार सोची क्यों ना कोशिश की हूँ कि आप लोगों को पूरी विधि विधान से बताओ कि खरना पूजा कैसे किया जाता है, उसके बाद प्रणाम करते, क्योंकि कोई भी इंसान जो है वो सही तरह से नहीं कर पाता, कहीं ना कहीं चूक हो जाता है, आप लोग से भी हुआ होगा। तो दिनकर दीनानाथ जो हैं वो उगते हुए जल के उगते हैं, जल के ही डूबते हैं, तो उनको सब कुछ पता रहता है। आप उनसे झूठ कभी नहीं बोल सकते हो, क्योंकि वो सब देखते हैं होकर। और इस युग में साक्षात कोई देव हैं तो वो हैं दिनकर दीनानाथ, तो उनको प्रणाम कर लीजिए। जो भी 19-20 जो भी छोट भूल चूक हुआ वो माफ़ ज़रूर कर देंगे। फिलहाल यहाँ पे हम लोग अब स्टार्ट करेंगे खरना के लिए। तो यहाँ पे तो मैं अभी मैं जोरा मांग नहीं टीकी हूँ, तो अभी मैं जोरा मांग टीकूँगी। तो वही बैठ के मैं जोरा मांग टीक रही हूँ, फिर मम्मी भी खुद से ही करेंगी, यहाँ पे खुद से ही किया जाता है। तो यहाँ देख सकते हो मैं भी कर रही हूँ और उसके बाद मम्मी कर रही हैं, जी मौसी हैं। और यहाँ देख सकते हो मम्मी भी अब जोरा मांग टीक रही हैं। और अब हम लोग स्टार्ट करेंगे खरना। ये सबसे पहले तुलसी पत्र लगाया जाता है, जी हाँ, खरना करने से पहले तुलसी पत्र। और यहाँ पे हम लोग स्टार्ट कर दिए खरना करना। और यहाँ देख सकते हो ये कुंज जो है वो बदमाशी कर रहा है अपनी बुआ के साथ। खत्म। और यहाँ पे हम लोगों का जो है वो खरना पूजा हो गया। अब हम लोग उठेंगे और मौसी जी कह रही थी कि मुझे ना गुड़ का खीर नहीं उठता है, जी हाँ, खरना नहीं उठता है, तो नारियल पानी के लिए बोला गया था, तो बाद में वो भी आया था, तो वो भी हम लोग लिए थे। और यहाँ पे देख सकते हो हम लोग अब जा रहे, जी हाँ, चाँद को प्रणाम किया जाता है, तो वही चाँद को अभी प्रणाम करेंगे हम लोग। चाँद दिख ही नहीं रहा था, तो बहुत घर से बहुत दूर निकल गए थे चांद को प्रणाम करने के लिए। तो यहाँ चंद्रमा उग गया और यहाँ पे देख सकते हो ये थोड़ी सी धुंधला गया, बैकलाइट जला के ही रिकॉर्ड हो रहा था, तो ये देख सकते हो सारे लोग यहाँ पे दिख चुके हैं, तो प्रणाम हम लोग कर रहे हैं। उसके बाद घर आते हैं, तो घर में देखो यहाँ पे कुंज की बदमाशी बहुत हो रही है, कुंज
रिकॉर्ड करना नहीं चाहता है, करवाना ना फ़ोटो खिंचवाना चाहेगा, बदमाशी करेगा, कभी मुँह खींच देगा, कभी कुछ। यहाँ पे देख सकते हो इसकी शैतानी कैसा लग रहा है। कैसा लगा आप सभी को हमारा ये खरना का ब्लॉग, प्लीज कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। अगर कहीं कुछ ऊंच नीच या कुछ कमी बेसी हुआ हो तो कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। और अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करना बिल्कुल ना भूलना। और छठ महारानी छठी मैया आप सबको ऐसे ही खुश रखे, और ऐसे ही आप लोग मुझे प्यार दीजिए और आप लोग भी खुश रहिए। और इसी के साथ खरना का ब्लॉग को मैं एंड कर रही हूँ यहीं पर, और नेक्स्ट ब्लॉग में मिलती हूँ। जी हाँ, वो ब्लॉग होगा छठ का, अर्घ का। जी हाँ, प्रसाद कैसे बनता है हमारे घर में छठ का, तो वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, और कैसे मैं अर्घ देती हूँ वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। तो कहीं मत जाइएगा, बने रहिए, नेक्स्ट ब्लॉग बहुत ही ज़्यादा अच्छा होने वाला है। ये ब्लॉग भी बहुत अच्छा है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सपोर्ट।